नमस्कार। आज हम आपके साथ एक प्लाजो की कटिंग शेयर करने जा रहे हैं। जैसे कि लूज प्लाजो की कटिंग मैंने पहले काफी सारी डाली हुई है वीडियोस, यहाँ पे हमारे पास जो कपड़ा है वो 2.25 मीटर है। 2 से 2.25 मीटर कपड़ा हो और घेरा खुला रखना हो तो उस प्लाजो की कटिंग हम कैसे करें, तो आज हम ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पे कपड़े को पहले डबल कर लिया है। ये सीधी वाली साइड अंदर है और उल्टी वाली साइड हमारी बाहर है। हमने इसे फोल्ड कर लिया है डबल में। इस साइड बंद है, यहाँ हमारा खुला है। जो हमारा खुला वाला साइड है वहां से कॉर्नर बनाना है और जो बंद वाली साइड है वहां से कपड़े को उठाना है। अब हम यहाँ से कपड़े को उठाएंगे इस तरह। कपड़े को उठाकर हम इधर लेकर आते हैं ऐसे। ये तो एक तो ये ओरेब बनेगा, सीधा नहीं बनेगा। ओरेब वाला प्लाजो होता है जो उसकी शेप बहुत अच्छी आती है। ओरेब प्लाजो बनाएंगे हम सीधे कपड़े में। अब इसे हम इस तरह रख लेंगे। अब हमने इसकी लंबाई देखनी है। सबसे पहले हमने इसकी लंबाई लगानी है। लंबाई हमारे पास जो है वो 37 इंच रेडी है। 37 इंच रेडी रखनी है तो इसे हम पहले इस तरह कर लेंगे और इसकी लंबाई यहाँ पे नापते हैं। 37 इंच रेडी है और नीचे से हम 1.5 इंच इसको फोल्ड के लिए रखेंगे। 1.5 इंच हमने फोल्ड के लिए भी रखना है। तो ये देखिए हमारे पास कपड़ा काफी है, तो कोई इसमें घेरे की कोई टेंशन नहीं है। अब हमने हिप का साइज देखना है। इनका जो हिप साइज है वो हमारे पास 46 है। 46 को हम इसके अंदर पहले 4 इंच हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास ये 50 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो इसका घेरा बनता है 12.5 इंच बनता है। अब टोटल हमारे पास 50 इंच हो गया। इसका हमने चौथा हिस्सा करना है तो ये 12.5 इंच आ जाएगा। तो 12.5 इंच या 13 इंच के करीब हम ऊपर से घेरा रखेंगे। उसके बाद हमने इसकी लंबाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने पहले घेरे को नापना है, यहां से नापना है। जो ये सीधा कपड़ा है तो यहाँ पे सीधे में नापेंगे। तो ये देखिए ये थोड़ा कम है, इसको पहले हमने थोड़ा बढ़ा लेना है। इस तरह घेरा इस तरह बढ़ जाएगा। नीचे से सेटिंग बाद में कर लेंगे, पहले ऊपर की सेटिंग करते हैं। कपड़े को हमने इस तरह सेट कर लिया है। जो ये निशान है कपड़े का नीचे वाले का वो इस तरह लगा लेते हैं पहले। ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा। अब हम इसको नापेंगे, 13 इंच कर लेंगे। ये लीजिए यहाँ पे 13 इंच हो गया है। ठीक है, ये 13 इंच का हमारा लग गया है निशान। अब हमने यहाँ पे ऊपर बेल्ट लगानी है। बेल्ट हमारी लगेगी 1.5 से 2 इंच की। वो आपके हिसाब पे है कि आपकी इलास्टिक कितनी चौड़ी है। तो इलास्टिक देख लेते हैं पहले कितनी चौड़ी लगेगी। इलास्टिक को इसके ऊपर रखते हैं और इसके ऊपर रखकर हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमने 37 इंच लेना है इसको बीच में मिलाकर। देखिए यहाँ पे हमारा 37 आ गया है, इस जगह आया है। ठीक है, अब हमने कपड़े को कर लेना है सेट अच्छी तरह। थोड़ा सा घेरे को और बढ़ा लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ फोल्डिंग के लिए हमें 1 से 1.25 इंच नीचे चाहिए। अब हमने इसे इस तरह सेट कर लेना है पहले कपड़े को। 37 इंच यहाँ तक आ गया, ये नीचे हमने फोल्डिंग के लिए लगा लिया। अब हमने उधर से भी लगाना है लंबाई को। ये हमारा टोटल हो गया है 38 इंच के करीब है, तो उधर से भी हम 38 इंच लगा लेंगे। यहाँ पे 38 इंच का निशान लगा लेते हैं और इस निशान से हमने इस निशान को मिलाना है। इस तरह जाएगा ये। ठीक है, अब हमने इसकी करनी है कटिंग। पहले ऊपर से कट कर देंगे और पहले आसन का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्रॉच एरिया लगेगा, यहाँ पे 12 इंच का क्रॉच एरिया लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे 12 इंच का निशान लगाएंगे पहले यहां से इस तरह। 12 इंच का निशान लगाकर इस साइड हम 2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह और इसे मिला देंगे इस तरह ऊपर। जैसे हम सर्कुलर प्लाजो में कट करते हैं आसन, उस तरह हमने इसको कट करना है। पहले ऊपर का हिस्सा निकाल देते हैं। अब यहाँ पे जो कपड़ा है ये हमारा 6 इंच है, तो यहाँ पे हमने 3 इंच इसको डाउन लगाना है इस तरह। इस तरह 3 इंच डाउन लगाएंगे और इसे इसके बराबर कर देंगे। इससे जो ये कॉर्नर है ये खत्म हो जाएगा। और अब हमने यहां से लंबाई लगानी है इसकी। यहां से लगाएंगे 38 इंच। ये देखिए यहां पे आ जाएगा 38 इंच। अब इस कॉर्नर को हमने इसके साथ, ये खत्म हो गया कॉर्नर, ये इस तरह आ गया। अब इसकी कटिंग पहले ऊपर से करेंगे इस तरह। अब हम इसका आसन कट करेंगे। अब हम इसकी साइड कट करते हैं और इसे अब इस तरह नीचे से कट करेंगे।
अब देखिए ये प्लाजो की कटिंग हो गई है, ये हमारा क्रॉच एरिया है, ये घेरा है, ये नीचे वाला घेरा है। अब हमने क्या करना है, एक बार इसे इस तरह नाप के देख लेना है, आपको पता चल जाएगा कि आपका प्लाजो बिल्कुल ठीक कटा है कि नहीं। और ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह आपने रख लेना है, इसकी दोनों लंबाइयां आपस में मैच होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है उसे आप हल्का सा यहाँ पे शेप दे दें। ये लीजिए अब ये हमारा प्लाजो कट चुका है, अब हमने इसको सिलना है। सिलने के लिए पहले ऊपर बेल्ट भी लगेगी, तो बेल्ट की कटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले जो इसका घेरा है वो 13 इंच है, और ऊपर से हमने इसके हिसाब से इलास्टिक के हिसाब से रखना है। ये हमारी 1.5 इंच के करीब इलास्टिक है। अब हमने इसकी बेल्ट कट करनी है, तो जो इलास्टिक है हमारी 1.5 इंच की है, 1.5 और 3 इंच ये कपड़ा जाएगा पूरा पूरा। यहाँ पे हम 4 इंच ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4 इंच की पट्टी कट कर लेंगे। तो ये दोनों साइड लगनी है, और यहाँ पे जो लंबाई है 26 इंच तो वैसे हमारी बनती है, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, उसके बाद जब लगाएंगे तो उसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे जो टोटल हमारी बेल्ट की लंबाई है, मैंने 28 या 29 इस तरह रखी है। अब हम इसे कट कर लेते हैं और मैं आपको इसको सिलना दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्रॉच एरिया को जोड़ना है। आप देख सकते हैं क्रॉच एरिया को मैंने इस तरह जोड़ लिया है, और नीचे से 1 इंच कपड़ा खुला छोड़ दिया है। अब हमने दोनों आसन को आपस में मिलाना है। मिलाने के बाद जो लेग्स वाला हिस्सा है नीचे अंदर वाला, उन दोनों को हम इस तरह सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। अब ये देखिए ये जो 1-1 इंच का हमने हिस्सा छोड़ा था सिलाई के बिना, तो इसको मिलाएंगे और नीचे तक सिल लेंगे। अब हमने इसे नीचे तक सिल लिया है, अब यहाँ पे ये छोटा सा हिस्सा रह जाता है सिलाई का, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसे कंप्लीट करने के बाद अब बेल्ट लगाएंगे। अब ये जो बेल्ट है जो इसको हमने सीधी तरफ से रखना है, सीधी तरफ रख के हम उल्टी तरफ सिलाई लगाएंगे। इस तरह सीधी तरफ रख कर हम इस तरह उल्टी तरफ सिलाई लगाते हैं, सिलाई लगाना शुरू करेंगे और पूरे में घुमाकर हम इस तरह सिलाई लगा लेते हैं। अब देखिए सिलाई हमने लगा ली है, यहाँ पे जोड़ डाला है, क्योंकि जोड़ तो डलना ही था जब गुलाई में घुमाते हैं, तब इसको हम इस तरह दबाव करके इस तरह दबाव की सिलाई भी लगा लेते हैं इस तरह। अब देखिए इसको हम दबा देंगे, क्योंकि ये जो जो सिलाई को आपने दबाना है वो ऊपर की तरफ करके ही दबाना है, ताकि ये जो बेल्ट के अंदर आ जाए सिलाई। यहाँ पर हमने इलास्टिक ली है, हिप का जो साइज़ था वो 46 इंच था, तो यहाँ पर 46 में से आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, जैसे 10 से 12 इंच कम कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 16 इंच इलास्टिक ली है एक साइड से, मतलब 32 इंच पूरे राउंड में ली है। तो इसको हम प्लाजो को इसके अंदर डालते हैं, अंदर डालकर हम इस तरह इलास्टिक को रखेंगे सिलाई के बिल्कुल बराबर। यहाँ पे सिलाई के बिल्कुल बराबर रख कर इस कपड़े को हम ऊपर से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी कपड़े के ऊपर आनी चाहिए, यहाँ पे इलास्टिक के ऊपर सिलाई बिल्कुल ना आए। अगर सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर आ गई तो ये जो हमारा खिंचाव होगा फिर सिलाई का, वो नहीं बनेगा, वो फिर ख़राब हो जाएगा। आपने सिलाई ओनली कपड़े के ऊपर लगानी है। अब देखिए इस तरह हमने सिलाई लगा ली है, अब हम इसे खींच कर एक बार इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा देंगे, ताकि जो इलास्टिक उल्टी ना हो, इलास्टिक घूमे ना। अब हमने ऊपर इलास्टिक की सिलाई लगा दी है, हमारा आसन भी जुड़ चुका है, साइडें भी जुड़ गई हैं, जो बीच वाला हिस्सा है। अब हमने नीचे से फोल्ड करना है, नीचे के हिस्से पे हमने जो निशान लगाया है इसे फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करके फिर प्लाजो में आपको दिखाती हूँ बनाकर। अब आप देख सकते हैं प्लाजो को मैं नीचे से फोल्ड कर दिया है, और प्लाजो हमारा बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। जो इसका घेरा है वो भी अरेब में आया है, और पूरा घुमाव दे के बना है, और काफ़ी खुला घेरा बनकर रेडी हुआ है। जैसे आप रेडीमेड प्लाजो लेते हो उससे भी अच्छा ये प्लाजो बनकर तैयार हो गया है। आपको अगर ये है कटिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो क्रॉच एरिया है वो आप अपनी हिप के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने 12 इंच कट किया था, आप यहाँ पर 13 इंच 14 इंच प्लाजो का जो क्रॉच एरिया है वो ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।